जी टीवी में आपका स्वागत है। कुशीनगर क्षेत्र में निषाद पार्टी के द्वारा हो रहे प्रदेश भर में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन में सरगर्मी। कुशीनगर के कप्तानगंज क्षेत्र में दिखे जहां निषाद पार्टी के लोग इकट्ठित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, वहीं नगर पंचायत में नारेबाजी करते हुए कप्तानगंज नगर कटियारगंज रेलवे ट्रैक को जाम। वहीं सूचना पाकर पहुंचे ये आरपीएफ और पीएससी के लोगों ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया। घंटों के बाद निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कप्तानगंज को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम से लिखे पत्र को देते हुए कहा कि अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो हम उग्र होकर रेलवे ट्रैक को रोक देंगे, अन्यथा मेरी मांगे अविलंब ही पूरी की जाए। कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू निषाद की खास सामाजिक है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कई सौ वर्षों से इस जन्मजात यहीं के लोग हैं, और कुछ दिन पहले इनकी आरक्षण को मांग के लेकर के इस निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने, उस समय राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एक संगठन हुआ करता था, उससे जन्म हुआ निषाद पार्टी का, और वह राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद लेकर के और कसरौल में एक धरना प्रदर्शन किए थे जिसमें कई हज़ार लोग गए थे, और जाने के बाद उसमें पुलिस वालों ने हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया, और व्यवहार करने के साथ साथ हम लोग के ऊपर लाठी भी चार्ज किया, और एक हमारे साथी अखिलेश निषाद जो इटावा से चल के आए थे वो शहीद भी हो गए, और उनके उसके बावजूद हमें आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि संविधान में लिखा गया आरक्षण, ये जब यह देश आज़ाद हुआ तब से आरक्षण की उस कापी में लिखा गया है संविधान के, और आज इस उपलक्ष्य में कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण नहीं मिला, और हम बार बार दौड़ते रहे शासन को, प्रशासन को चिट्ठी देते रहे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताते रहे। 7 जून 2015 को हमने कसरौल में एक आंदोलन किया था, उसमें हमारे साथी शहीद हो गए थे, उसी के उपलक्ष्य में जब तक जीवन में पूरे हम लोग के जीवन काल में ही अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो हम हर 7 जून को इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है और निषाद पार्टी का आदेश है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 जून 2015 को कसरौल कांड जो हुआ था, जिसमें हमारे नौजवान एक आरक्षण की मांग को लेकर के अखिलेश जी शहीद हो गए थे, हम उनकी शहादत मना रहे हैं, और हमको 17 जातियों को आरक्षण चाहिए, अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे और उस समय तोड़फोड़ करेंगे, सारा जिम्मेदारी प्रशासन का होगा। ये पूरे जो है भारतवर्ष में चल रहा है, प्रदेश स्तर पर चल रहा है, ये हम लोग की 17 जाति की मांग चल रही है, और हम जो है कप्तानगंज जो है लोगों को एकत्रित किए हैं, लोगों को कहते हैं नाराबाजी किए हैं, उसके बाद जो है रेल ट्रैक जाम करने के लिए जो हम लोग पहुँचे हैं, प्रशासन जो हमको रोकी है, फिर भी जो है हम लोग जो है अपने कार्यों को जो है किए हैं, और रेल को भी जो है हम लोग जो है छेड़ने का प्रयास किए हैं, उसके बाद जो है प्रशासन जो है हमें रोकी है, और हमारी जो है मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक फिर और हम आंदोलन करेंगे। 17 जातियों का अनुसूचित जातियों में जो है हमको डालो, सम्मिलित किया जाए।